बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम सामान में, मिनटों में तैयार होगी ये मुंह में घुल जाने वाली ऐसी मिठाई जिसे खाने के लिए हो जाएगी लड़ाई। देखने भर से ही मुंह में पानी आ जाएगा, खाए बिना मन रह नहीं पाएगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी मिठाई जो खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी है, बनाने में ये उतनी ज़्यादा आसान है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप इस मिठाई को बनाए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बनाने में ये बहुत ही आसान है। कोई बच्चा भी इस मिठाई को बना सकता है। इस सुपर टेस्टी डिलीशियस सी लगने वाली मिठाई को बनाने के लिए आपको न तो मावा, न चाशनी, न घी, न दूध, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस घर में रखे कुछ सामान से ही ये डिलीशियस सी लगने वाली रस से भरी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस सुपर इजी, सुपर टेस्टी रस से भरी मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पे लिया है एक पैन। सबसे पहले हम यहाँ पर आधा कप चीनी लेंगे। आप कोई सा भी कप या कटोरी सेट कर लें, उसी से सारा मेजरमेंट। जितनी हमने चीनी ली थी उससे ज़्यादा हमें पानी लेना है, तो एक कप से थोड़ा कम पानी लिया है मैंने। हमें यहाँ पर चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस हमें यहाँ पर चीनी और पानी का घोल तैयार करना है। इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए यहाँ मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया है, जिससे कि चीनी अच्छे से फटाफट से इसमें घुल जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी, हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलरेट कर देंगे, जिससे कि मिठाई में बहुत अच्छा लुक आएगा। आप इसके लिए इसमें केशर के धागे भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। जैसे ये मिक्स हो जाएगा, अब इसमें हम फ्लेवर के लिए 2 क्रश की हुई इलायची ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और जैसे भी इसमें एक उबाल आ जाएगा, आप देख सकते हो ये उबलने लगी है, बस इसे हमें चिपचिपा करना है। कोई तार की चाशनी हमें तैयार नहीं करनी है यहाँ पर, बस ऐसे ही हमें चिपचिपी चाहिए ये। तो हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस चाशनी को या चीनी के घोल को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा होगा जब तक हमें एक और डिलीशियस सी प्रिपरेशन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं डिलीशियस सी नेक्स्ट स्टेप की ओर। सुपर टेस्टी मिठाई के लिए सुपर टेस्टी फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ली है और इसमें हम लेंगे दूध की मलाई। जो दूध के ऊपर की लेयर आती है ना, जिसे हम मलाई कहते हैं, तो यहाँ मैंने 3 चम्मच के करीब दूध की मलाई ली है। फ्रेश मलाई का यूज़ करें, ध्यान रखिएगा इस बात का। और यूज़ करने से पहले आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। उसके बाद इसका यूज़ करें तो बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर और टेस्ट भी आएगा। अच्छे से इसे फेंट लेना है, एकदम क्रीमीनेस हो जाए जब तक इसे फेंटेंगे। और अब मिठाई को और ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। तो नॉर्मल वाली चम्मच से 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर लेंगे, दूध पाउडर भी कहते हैं इसे। अच्छे से इसे फेंट लेना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप क्या यूज़ करें आगे वीडियो में मैं बताऊँगी, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। तो देखिएगा कितना बढ़िया इसका टेक्सचर हो गया है। अब मिठाई को थोड़ा सा क्रंचीनेस लाने के लिए मैंने यहाँ पर 7-8 काजू लिए हैं, उन्हें क्रश कर लिया है। तो इसमें डाल देंगे और इस तरह से 6-7 बादाम को भी इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देंगे। आप आपके मनपसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। ये देखिएगा, हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा मिक्सचर गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब और थोड़ी सी दूध की मलाई ऐड कर दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें बहुत सारी और चीज़ें डालने वाली हूँ, जिससे कि मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच के करीब डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का भूरा भी कहते हैं इसे। मार्केट में इजीली मिल जाता है ये। मिठाई को और ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 15-16 के करीब यहाँ पर किशमिश ऐड किए हैं। आप इसमें टूटी फूटी भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। ये देखिए, अगर आपको कोई जैसे नारियल का बूरा नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ये लीजिएगा, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। मुझे थोड़ी फीलिंग
गीली लग रही थी इसलिए मैंने इसमें एक चम्मच थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड किया है। तो इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये लीजिएगा, एकदम परफेक्ट, बस यही टेक्सचर चाहिए हमें। अब इसे हम रख देंगे साइड से और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इस डिलीशियस सी माउथ मेल्टिंग मिठाई को बनाने के लिए यहाँ मैंने सिंपल सी सैंडविच ब्रेड ली है। आप कोई सी भी ब्रेड का यूज़ कर सकते हो। अब मिठाई को शेप देने के लिए यहाँ मैंने ग्लास का यूज़ किया है। आप कोई भी कुकी कटर्स ले सकते हैं या आप कोई छोटी कटोरी ढक्कन, किसी से भी आप इस तरह से इसे कट कर सकते हैं या शेप दे सकते हैं। तो देखिए, इसको हल्के से हमें इस तरह से प्रेस करते हुए इसके जो साइड के किनारे हैं ना, उन्हें हम सबको निकाल देंगे। और एकदम देखिएगा, एकदम परफेक्ट इसका शेप आया है। बस यही शेप के हमें ब्रेड को कट करना है। और इसके जो बचा वाला पार्ट है ना, इसको आपको फेंकना नहीं है। आप इससे पकोड़े या कोई कटलेट या टिक्की वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ब्रेड की और एक स्लाइस का इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ। देखिएगा, ग्लास में हमें इस तरह से प्रेशर देते हुए इसके साइड के एजेस को निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने दो ब्रेड की स्लाइस को कट कर लिया है। और इसे एक के एक ऊपर रखते हुए इस तरह से और जो है ब्रेड की स्लाइस को हम इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 8 ब्रेड की स्लाइस को इस तरह से कट करके रेडी कर लिया है। अब बारी आती है लास्ट स्टेप की। तो यहाँ पर हमें लेना है ब्रेड की एक स्लाइस, और हमने जो मलाई वाली फिलिंग रेडी की है ना, जिसमें हमने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, उस फिलिंग को एक स्पून की हेल्प से पूरे ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। यकीन मानिए, ये मिठाई खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, जब दिल कर जाए मीठा खाने का तो आप इसी को बनाना चाहेंगे। ये देखिए, इस तरह से दूसरी जो है ब्रेड की स्लाइस को इस तरह से, जिस तरह से सैंडविच बनाते हैं उस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। और अब दूसरी वाली ब्रेड की स्लाइस को लेकर फिर से उसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे। थोड़ी सी मलाई वाली फिलिंग लेकर अच्छे से हमें इस पर स्प्रेड कर लेना है। और दूसरी ब्रेड की स्लाइस को इस तरह से इस पे रखते हुए सारी ब्रेड की इस तरह से हम फिलिंग को रेडी कर लेंगे। रस से भरी इस मिठाई को बनाने के लिए हमने जो सबसे पहले चीनी और पानी का घोल लिया था ना, उसे ले लेंगे। और ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। और ब्रेड की जो स्लाइस है उन्हें दोनों साइड से इस तरह से डीप करेंगे, जिससे कि चाशनी इसमें अच्छे से ये सोख ले और एकदम मिठाई एकदम रस से भरी हो जाए। बड़े तो बड़े बच्चों को भी ये मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अब हम एक प्लेट में नारियल का बूरा या डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे और ब्रेड को इस तरह से इसमें कोट कर लेंगे उलट पुलट करते हुए। ये देखिए, परफेक्ट। यकीन मानिए, ये मिठाई खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, जब दिल कर जाए मीठा खाने का तो आप इसी को बनाना चाहेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें लेफ़्ट ओवर पेड़ा, मिठाई या दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर ले, जैसे रबड़ी जैसा बना ले, या खीर, इसे भी आप इससे तैयार कर। ये लीजिए, इस तरह से हमने सारी चमचम सी लगने वाली स्प्रेड की स्लाइस को रेडी कर लिया है। और अब बारी आती है क्रिएटिविटी की। तो देखिए, इसका लुक अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लुक को और ज़्यादा अमेजिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर लिया है। इस तरह से टैप टैप करते हुए बीच में हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए हैं थोड़े से पिस्ते, साथ ही से डेकोरेट करेंगे केसर के रेशे और बादाम के साथ। आप आपका मनपसंद का इसे लुक दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें बादाम और काजू से इसे डेकोरेट किया है। ऊपर से एकदम रस से भरे, अंदर से एकदम मलाईदार फीलिंग के साथ मज़ा आ जाएगा। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी झटपट बनने वाली यूनिक स्टाइल की स्पेशल मुंह में पानी ला देने वाली ब्रेड मलाई चमचम। लुकिंग ही ऐसी है कि देखने के बाद कोई रुक नहीं पाएगा सीधे मिठाई उठाई का। ये देखिएगा, एकदम परफेक्ट। उम्मीद करती हूँ आज की ये मिठाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी क्रिएटिविटी और मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रियंका रेसिपी बुक। जय हिंद, जय भारत।